मित्रों जय माता दी। 1 नवंबर शुक्रवार 2024 गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित विश्व पंचांग के आधार पर सटीक जानकारी देंगे एवं काल निर्णय के आधार पर सभी शुभ मुहूर्त की भी जानकारी देंगे। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष टीम को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम आप सभी लोगों को बधाई देते हैं जिनका कि आज जन्मदिवस है। हम आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं जिनका कि आज मैरिज एनिवर्सरी है। हम आप लोगों को यानी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी दिक्कत परेशानी दूर हो माता रानी से विनती करते हैं। 1 नवंबर शुक्रवार 2024 आज का पंचांग श्री सुसंवत 2081 शक संवत 1946 सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि दिन में 5:05 रहेगी तदुपरांत प्रथमा तिथि आरंभ हो जाएगी। स्वाति नक्षत्र रात में 3:21 तक रहेंगे तदुपरांत विशाखा नक्षत्र आरंभ होगा। प्रीत योग दिन में 11:44 रहेंगे तदुपरांत आयुष मान योग आरंभ होगा। किस्तुग्न करण प्रातः 5:28 तक रहेंगे। नाग करण दिन में 4:41 तक रहेंगे। दिशा सूल पश्चिम दिशा परिहार दही। आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए उचित नहीं है। अगर दही खाकर यात्रा आरंभ करते हैं तो सफलता के योग बन जाते हैं। सूर्योदय प्रातः 6:28 पर होगा। सूर्यास्त शाम को 5:32 पे है। ब्रह्म मुहूर्त का समय 5:28। चंद्रोदय आज नहीं है। तुला सूर्य तुला राशि में चंद्रमा तुला राशि में चंद्रवास पश्चिम दिशा में है यानी आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए लाभकारी साबित होगी। राहु काल प्रातः 10:30 से 12 तक गुलिक काल प्रातः 7:30 से 9 तक यमगंड काल दिन में 3:30 से 4 तक किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में न करें। अगर कोई शुभ काम करना है तो आप जो है गुलिक काल में शुरू करें या फिर हमारे बताए गए काल निर्णय के आधार पर आप जो है शुभ मुहूर्त में शुरू करें तो आपको कामयाबी निश्चित मिलेगी। आज स्नान दान की अमावस्या है। अब हम काल निर्णय के आधार पर आपको सभी शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए काल निर्णय के आधार पर दिन की शुरुआत प्रातः 6 से मानी जाती है। इसी तरीके से काल निर्णय के आधार पर रात की भी शुरुआत शाम 6 से मानी जाती है। तो दिन शुक्रवार अमृत काल से शुरू हो रहा है। अमृत काल का बाल शुरू होगा 9:12 से 9:36 तक रहेगा। ये प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 9:36 शुरू होकर 10 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 10 शुरू होगा 10:10:24 तक रहेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 10:24 शुरू होकर 10:48 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय है। इसके बाद फिर अमृत काल रिपीट किया। बीच के कुछ समय गड़बड़ है इसलिए वृद्ध को लिया जा रहा। वृद्ध जो है 12:12 से शुरू होकर 12:44 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। फिर आगे अमृत काल रिपीट किया। अमृत काल 2 से शुरू होकर 2:36 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 2:36 से शुरू होकर 3:12 रहेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 3:12 शुरू होकर 3:48 तक रहेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 3:48 से शुरू होकर 4:24 तक रहेगा।
किसी भी कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। इसके बाद महेंद्र काल रिपीट किया। महेंद्र काल का बाल 4:24 से शुरू होकर 4:48 तक रहेगा, किसी भी कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय है। युवा 4:48 से शुरू होकर 5:12 तक रहेगा, प्रत्येक कार्य के लिए पूर्ण सफलतादायक है। प्रौढ़ 5:12 शुरू होकर 5:36 तक रहेगा, किसी भी कार्य के लिए अनुकूल समय है। और वृद्ध 5:36 शुरू होकर 6:00 तक चलेगा, यह किसी भी कार्य के लिए समान अनुकूल समय है। ये रहे काल निर्णय के आधार पर दिन शुक्रवार के दिन के सुमूहर्त। अब दिन शुक्रवार के रात्र के सुमूहर्त की जानकारी दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए रात की शुरुआत अमृत काल शुरू हो रही है, इसका बाल शुरू हो रहा 8:24 से 9:00 तक, प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय। युवा 9:00 शुरू होकर 9:36 तक चलेगा, किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय। प्रौढ़ 9:36 शुरू होगा, 10:12 चलेगा, प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय। वृद्ध 10:12 शुरू होगा, 10:48 चलेगा, प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। महेंद्र, उसके बाद फिर महेंद्र रिपीट किया। महेंद्र शुरू हो रहा है 1:12 से 1:24 तक, किसी भी कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। युवा 1:24 से 1:36 चलेगा, प्रत्येक कार्य के लिए पूर्ण सफलतादायक समय। प्रौढ़ 1:36 से 1:48 चलेगा, किसी भी कार्य के लिए अनुकूल समय है। वृद्ध 1:48 से शुरू होकर 2:02 तक चलेगा, प्रत्येक कार्य के लिए समान अनुकूल समय। तो ये रहे काल निर्णय के आधार पर रात्र और दिन के सुमूहर्त की जानकारी। काल निर्णय के आधार पर दिन की शुरुआत प्रातः 6:00 से होती है, इसी तरीके से काल निर्णय के आधार पर रात की भी शुरुआत शाम 6:00 से होती है। अब यहाँ पे एक शब्द बार बार इस्तेमाल किया गया है, महेंद्र काल और अमृत काल। आप लोगों को शंका हो रही होगी ये है क्या। देखिए महेंद्र काल और अमृत काल ये दोनों सुमूहर्त के नाम हैं, तो जहाँ तक संभव हो सके, तो यानी महेंद्र काल और अमृत काल दोनों सुमूहर्त के नाम हैं, जिसमें महेंद्र काल को प्राथमिकता दी गई है, इसके बाद का दर्जा अमृत काल को दिया गया। तो जहाँ तक संभव हो सके आप महेंद्र काल में काम शुरू करें तो आपको कामयाबी निश्चित ही मिलेगी। इन्हीं कारणों पर अगर आपको महेंद्र काल का समय नहीं मिलता तो आप अमृत काल में काम शुरू कर सकते हैं। अब एक शब्द और इस्तेमाल हो रहा है बार बार, बाल, युवा, प्रौढ़ और वृद्धि। क्या देखो विद्वानों ने समय को 4 भागों में बांटा है, बाल, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध। इसको आसानी से आपके समझ में आ जाए इसके लिए हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे इंसान जन्म लेता है तो बाल होता है, बचपना होता है। जब आपने जन्म लिया तो आप बाल थे, बच्चे थे। इसके बाद जब आपकी उम्र बढ़ी तो आप युवा हो गए यानी जवान हो गए। फिर और उम्र बढ़ी तब आप जो है प्रौढ़ हो गए यानी जवान भी नहीं बचे और बूढ़े भी नहीं हुए यानी अधेड़ हो गए, बीच के हो गए। और जब और उम्र बढ़ी तो अब आप अधेड़ भी नहीं रहे, अब आप वृद्ध हो गए यानी बूढ़े हो गए। तो अब हम आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं आप लोगों से कि वृद्ध के पास ज्यादा ताकत होगी या बाल पास, यानी बूढ़े के पास ज्यादा ताकत होगी या बच्चे के पास। सही है आप लोग का जवाब, न बूढ़े के पास ज्यादा ताकत न बच्चे के पास। फिर सवाल ये उठता फिर ताकतवर कौन है, तो ताकतवर है युवा यानी जवान या फिर प्रौढ़, युवा जवान या फिर अधेड़। तो चाहे आप महेंद्र काल में काम शुरू करें या अमृत काल में काम शुरू करें, जहां तक संभव हो सके आप युवा या फिर प्रौढ़ में काम शुरू करें तो आपको कामयाबी निश्चित मिलेगी। तो अगर किन्हीं कारणवश आपको युवा और प्रौढ़ का समय नहीं मिल रहा है तब आप अमृत का यानी बाल का और वृद्ध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कामयाबी समय भी मिलेगी। बस अंतर इतना है इसमें थोड़ा देर में कामयाबी मिले क्योंकि पावरफुल कम है, बच्चा है बूढ़ा है ना। तो हमें उम्मीद है कि हमारी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर किसी को कोई शंका है तो वो हमसे कमेंट बॉक्स में अपनी शंका का समाधान कर सकता है, हम उसकी बात का जवाब देंगे।
अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा हमारे बताए गए काल निर्णय के अनुसार आप अपने काम की शुरुआत करें, को अमल में लाएं, आपको निश्चित कामयाबी मिलेगी, 101% कामयाबी मिलेगी। और जिन लोगों को कामयाबी मिल चुकी है वो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी।